11 नवंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत का काशी आगमन हो रहा है। 6 दिन का उनका काशी प्रवास बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में रहने वाले हैं। उनके आगमन से एक दिन पहले मोहन भागवत ठीक उसी स्थान से थोड़ा पहले अपना यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री को वाजिदपुर में जनसभा करनी है। हम उस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर संघ की यह पाठशाला लगनी है, मोहन भागवत जी की पाठशाला लगनी है। आप देख भी सकते हैं तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं जो कमरों में लोगों को रुकाने की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो आयोजन है वह पूर्वोत्तर भारत के जो 250 लगभग प्रचारक हैं, यह उनके लिए होने जा रहा है। उनका प्रशिक्षण शिविर है जो खुद संघ प्रमुख लेंगे, मोहन भागवत जी लेंगे, उसे लेकर यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। यह हॉल है जहाँ पर रोज़ सभाएं होंगी संघ की और लोगों को रुकने की व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच आदि बनाए जा रहे हैं, सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और यह जो वाजिदपुर क्षेत्र का स्थान है, यहीं पर संघ प्रमुख का कार्यक्रम यह होने वाला है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए यहाँ तैयारियाँ अंतिम चरण में माना जा रहा है कि 10 तारीख को ही शाम में संघ प्रमुख आ सकते हैं वाराणसी और 6 दिन काशी में रहेंगे। 16 तारीख तक उनका यह काशी प्रवास होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप साफ देखिए कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं उनके आगमन को दृष्टिगत रखते हुए, और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है 2019 चुनाव से पहले भी संघ प्रमुख का, क्योंकि इसी साल संघ प्रमुख ऑलरेडी बनारस में 4 दिन का काशी प्रवास कर चुके हैं और उनकी पाठशाला में तमाम लोग शामिल हो चुके हैं, लेकिन यह प्रचारकों की पहली पाठशाला वाराणसी में होने जा रही है जिसमें संघ प्रमुख खुद मौजूद रहेंगे। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।